गाइस कल का सीन जो हुआ है ना वो मैं आप सबको अंदर जाकर डेकोरेशन देखो, जो पास की टोकरियाँ होती है उसकी टोले भटूरे आ गए हैं। इस वाली शॉप के लोगों ने बोला बुआ का देख लो वीडियो बना लिया। गाइस अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने, वो है फेमस लस्सी है। और तो गाइस ये है डबल शेड की साड़ी और बहुत ही सुंदर लग रही है, वो अपने ऊपर देख रहे हैं। एवरीवन कैसे हो आप सब, होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और गाइस कल का सीन जो हुआ है ना वो मैं आप सबको अंदर जाके ही सबसे पूछवाती हूँ कि हमारे साथ मंदिर में क्या हुआ है ऐसा। और अभी जो है ना अभी सब उठ गए हैं और कल मंदिर जाने के बाद ना हमने कोई ब्लॉग बनाया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और फिर उसके बाद खाना खाने गए होटल पे रात को 1 बजे, बहुत मुश्किल से खाना मिला वहाँ पे। फिर उसके बाद खाना वाना खा के रात को यहाँ पे आए क्योंकि मैं ना व्लॉग भी नहीं बना पाई वहाँ पे, मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। तो फिर रात को भी नहीं बनाया और ना ही कल वाला व्लॉग एंड किया। तो उस वाले व्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हमारे साथ कल क्या हुआ है मंदिर में मैं वो भी बताती हूँ, पर अंदर जाके सबसे पूछवाती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था कल। और आज हमारा लास्ट दिन है, ये समझ लो कि हम बस एक ही दिन के लिए आए थे क्योंकि इतने ही दिन की ट्रेन वो टिकट थी और ट्रेन की जो टिकट है ना मेरी हमारी वो भी कंफर्म नहीं हुई है अभी तक, तो किसी किसी लोगों की हुई है कंफर्म। तो अभी चलते हैं अंदर पूछवाते हैं। आधे लोग जो है नहा लिए हैं, बस मैंने शावर नहीं लिया और कोमल दीदी और बच्चे रह गए हैं और बाकी सब जो है धीरे धीरे करके नहा रहे हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। जितनी भी लेडीज है सारी नहा धो के बैठी हुई हैं और हम बच्चे रह गए हैं नहाने के लिए। तो मैं सबसे एक एक बारी पूछने वाली हूँ कल हमारे साथ मंदिर में क्या हुआ था। सबसे पहले बुआ से, कल हमारे साथ मंदिर में बहुत बुरा हुआ, पंडितों ने मंदिर बंद कर दिए, हम 3 घंटे खड़े रहे और हमारी नंबर आया तो मंदिर बंद कर दिया, बहुत बुरा हुआ। आप बताओ, कल हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम मंदिर में जब तक हमारा नंबर आया मंदिर बंद हो चुका था। हाँ, और आप बताओ, हम 3 घंटे तक लाइन में लगे रहे और हमारा नंबर आया तो मंदिर बंद, हमारी पुलिस वालों से भी लड़ाई होगी, पंडितों से भी लड़ाई होगी। आप बताओ, बोल बता मानो तो बता। काशी विश्वनाथ का ना मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, मतलब कि पब्लिक इतनी दूर से आ रही है यहाँ पर दर्शन के लिए तो उनके दर्शन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है काशी विश्वनाथ का। तो अगर आप आ रहे हो तो 3 से 4 दिन का अपना टूर बना के जब भी आपके दर्शन होगा उससे पहले आपके दर्शन नहीं होंगे। आप अगर कोई 12 बजे रात में लाइन में लगा तो सुबह उसके 11 बजे दर्शन हो रहे, कम से कम 10-12 घंटे की लाइन है। तो अपना मैनेजमेंट अच्छा करके, और यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है, यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं लगे हमें, यहाँ का पुलिस है ना सबसे बेकार है, पैसे देती है तो उनके दर्शन कराते हैं, खरीद रखा सिर्फ पुलिस चल रहा है, सिर्फ मंदिर में 2 मिनट गुजरा इंसान बैठ भी नहीं सकता है, जो पायस बंदा है बिल्कुल ही नहीं बैठ, भगाते हैं ऐसे पूरी तरह बदतमीजी करके। मौसी बताओ, नहीं मिले दर्शन ही नहीं हुए इनको, बोलने नहीं आते। आप बताओ कल क्या क्या हुआ ये बता दो। मंदिर में मंदिर तो अच्छा था, दर्शन नहीं हुए खुले और हमें भगा दिया गया। आप बताओ बुआ, काशीनाथ के मंदिर में दर्शन हुए पर बड़ी मुश्किल से हुए, भीड़ भाड़ बहुत ही, धक्के लगे पर हल्के फुल्के दर्शन हुए, खुले दर्शन नहीं हुए। जय भोले। मैंने ये कौन सी महरूली तो मंदिर की नीति यहाँ के लोगों की है, पुलिस मैनेजमेंट खराब है यहाँ का, बस हमने मंदिर की, मंदिर तो बहुत सुंदर है जब हमें देखने ही नहीं दे यार तो क्या कर सकते हैं, तो हम तो उन्हीं को बोल सकते हैं। और यहाँ के पंडित भी इतने बदतमीज और पुलिस भी यहाँ पे, पंडित हमारी यहाँ क्यों रात भर हो रही है कि हमें मंदिर देखने को नहीं मिला, बहुत दुख हुआ हमें, इतनी
दर्शन नहीं हुए ना भोलेनाथ के दर्शन हुए, इतनी आस्था लेके आए थे और बेआस्था जा रहे हैं। सही बोल रहे हो, पंडितों को हम देख के सीखते हैं कि उनसे शिक्षा मिलती है हमें, पर वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, हमसे भी ज्यादा बदतमीज है। गोलू भाई, गोलू भाई आपने करे थे दर्शन? दर्शन करे थे, लड़ मर के दर्शन करे, तीन भूसे भी खाली दर्शन हो गए। कितने दर्शन भी करवाए? हाँ, हमारी तो बहुत लड़ाई है, गाली गलौच भी हुई है। हमने पढ़ते जब जाके हमारे दर्शन हुए, बहुत पुलिस आ गई है, पुलिस के साथ भी गाली गलौच हुई है, बहुत मंदिर सुंदर है, अच्छा है। इतने दूर से लोग भगाते, लेकिन यहाँ का स्टाफ ही गंदा है। सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी और मम्मी की हुई है। और ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मंदिर की चलो एंट्री मतलब जो भी है, मंदिर 11 बजे बंद होता है, तो आप लोगों को एंट्री बंद कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अंदर पब्लिक आए जा रही है, तो कहाँ से दर्शन हो जाएंगे जब मंदिर ही 11 बजे बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है धक्के मार के निकाल रहे, इतनी बदतमीजी। इतनी यात्रा करिए, पर इस जगह से लेवल अप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ की पुलिस बहुत बेकार है। हमारे साथ कल छोटे छोटे बच्चे भी थे मंदिर में, बेचारे बच्चे भी इतने रो गए। और कोमल दीदी के बच्चे और कोमल दीदी के बच्चे बोल रहे हैं मैं कभी नहीं आना यहाँ पे। हाँ, बच्चे भी बेचारे भूखे प्यासे और दब गए। 2 बजने वाले हैं और हम सब रेडी हो गए हैं, और लेट इसलिए हुए हैं क्योंकि होटल में ना बार बार लाइट जा रही थी, तो इसलिए लाइट की वजह से लेट हो गए। और फिर फैमिली भी बड़ी है ना, फिर और बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो देर सवेर तो रंग लगी रहती है। तो अभी प्लान बन रहा है कि यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर बताया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और 6:20 की हमारी ट्रेन है आज की वापस, तो अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। अभी सब बोल रहे हैं कि मंदिर जाना है, आधे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट जाना है, कोई बोल रहा है लस्सी पीनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। और मैं अभी रेडी हो गई थी, बस व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि लाइट गई हुई थी उस टाइम पे। और अभी भी और यहाँ पे ना गाइस एक बहुत बेकार बात है कि ऑटो रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह के भी, और बहुत ही बेकार लोग हैं सच में। अभी भी डिसाइड ही हो रहा है, ये देखो सब खड़े हुए पीछे। कहाँ पे जा रहे हैं? लस्सी घाट। बुआ कहाँ पे जा रहे हैं? लस्सी घाट जा रहे हैं, भैरव बाबा के जाने के लिए टाइम नहीं है, क्या करें। फिर मंदिर नहीं जा रहे? मंदिर नहीं जा रहे, मंदिर के लिए टाइम नहीं है। चलो फिर, मंदिर बहुत दूर है भैरव बाबा का। दूर है? 1 घंटा पहले, 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से उतारेंगे रिक्शे वाले, 1-1.5 किलोमीटर आगे पैदल चलना है। अच्छा, और भीड़ अलग? भीड़ बहुत है। कैसा लग रहा है? कैसे लग रही हूँ? कैसा लग रहा है व्लॉग? हाँ गाइस, हम आ चुके हैं अस्सी घाट पे जो कल आए थे, और यहाँ पे हम आए हैं लस्सी पीने के लिए। ग्रीन गंगा कैफे एंड है, हम तो पहली बार आए, पता नहीं पीते हैं लस्सी यहाँ पे आके। यहाँ की सारी लस्सी भी अच्छी लगती है। हैं, धूप कितनी हो रही है ना? लस्सी यहाँ ठंडाई जिसे कहते हैं ना, भांग, यहाँ की आंखें बहुत फेमस है यहाँ पे।
पर लस्सी और ठंडाई वगैरह ये सब मिलती है। यहाँ पे खाना है अच्छा लिया। गाइस भाभी का देखो फैशन ही नहीं खत्म होता, देखो भाभी कैसे फैशन कर रही है। मैं वही तो कह रही हूँ कि भाभी का फैशन नहीं खत्म होता, फैशन नहीं खत्म हो रहा ज्योति का। और ये साथ एक लेके आई है गार्ड, ये स्टिक भी पकड़ा रहा है, पिन भी पकड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। पंजाबी को लेके आई है बॉडी गार्ड, हाँ, और वो पर्स भी लेके खड़ा हुआ है। देखो कैसे इसका पर्स लेके भी खड़ा है। यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं, रेस्टोरेंट है। गाइस यहाँ पे डेकोरेशन देखो, जो बांस की टोकरियाँ होती है उसकी डेकोरेशन करी हुई है और अंदर बल्ब लगा रखे हैं, रात को जलता होगा कितना अच्छा लगता होगा। वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे सब वीडियो फोटो वोटर खिंचवा रहे हैं। देखो नन्नो भी वीडियो बना रही है। और गाइज मुझे पता नहीं था कि वहाँ से हमारे होटल से ये यासी घाट कितनी दूर है या मंदिर कितनी दूर है, जो बुआ ने बताया ना वो सही है, मुझे पता नहीं था, सॉरी यार मैंने कुछ भी बोल दिया, सॉरी जो बुआ ने बोला वो सही था। बुआ ने बताया कि 1.5 किलोमीटर दूर था और जा भी नहीं पाएंगे और भीड़ भी अलग है वहाँ पे, तो 80 घाट आ गए कुछ खाने वाने और ऐसे इंजॉय करने, फोटो वोटो खींचने, वीडियो वीडियो बनाने। छोले भटूरे आ गए हैं। इस वाली शॉप के लोगों ने बोला कि हम एक ही चीज़ बना सकते हैं, कोई एक भी ऑर्डर दे दो, तो फिर सब ने बोला छोले भटूरे खाएंगे, फिर सब छोले भटूरे खा रहे हैं। गाइस हमने खाना वाना तो खा लिया, छोले भटूरे और थोड़ी सी मैगी खाई थी, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट करके मतलब थोड़ा सा यहाँ पे घूमना, क्या धूप इतनी हो रही है, तो यहाँ पे अभी आधे लोग खा रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेशन के लिए निकल जाएंगे, और क्योंकि आज की ट्रेन है। और आज वाले ब्लॉग पे कमेंट करके बता देना मैं कैसी लगी, वैसे मैं कुछ और बाल बनाती पर जल्दी जल्दी हो रहे थे ना, तो फिर मैंने ऐसी पोनी बना ली, और फिर ट्रेन में भी बैठना ही है तो फिर ये लूज से कपड़े पहन लिए, ये टी शर्ट वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, लूज पैटर्न है, मतलब आपको कैसी लग रही है ये बताना ज़रूर कमेंट में। दीदी और यहाँ पर वीडियो बना रहे देख लो, और कुछ नहीं बस बुआ का देख लो वीडियो बना रही है बुआ। ये मेरा ना मामा है, इतना छोटा 6 साल का है और मैं 8वीं में चल रही हूँ। सही है गाइस, अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने, बहुत बुरी हालत हो रही है गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत, बहुत गर्मी लग रही है। तो हम रिक्शे में बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, रिक्शे में बैठ हम गलत रास्ते पे चले गए थे, नन्नो भी थी हमारे साथ रिक्शे में, और ये पैदल पैदल आए थे बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये भैया और कह रहे कि वो है फेमस लस्सी है और एवरग्रीन लस्सी, मम्मी कैसी है, बुआ कैसी है लस्सी, मीठा मीठा तो मैंने पी नहीं तो कैसे बताऊं। शाबाश बेटा।